इम्प्रूव योर वोकैबलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 20 अक्टूबर और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगी कि हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है और आज इस फेस्टिव ऑफर की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। हमारे सभी एसएससी सीजीएल के कोर्सेज पर, पिनाकल के प्रोडक्ट्स पर और साथ ही फ्रंटियर आईएएस के प्रोडक्ट्स पर 50% की छूट है और आज अंतिम दिन है। क्विज फॉर द डे, कल जो क्विज पूछी थी उसका आंसर, माय मदर लाइक्स टू डैश हर केक्स एंड पेस्ट्रीज बाय यूजिंग ड्राई फ्रूट्स ऑन देम। मेरी माताजी जो है वो जो केक और पेस्ट्री बनाती हैं उनको वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, उनसे सजाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो एम्बेलिश होगा। एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, ठीक है। कभी कभी हम चीज़ों के ऊपर वैसे ही ऊपर से कुछ छिड़क देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जी बनवाने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया उसके ऊपर से छिड़क देते हैं, वहाँ पर वर्ड होता है गार्निश, ये डेकोरेशन के लिए। स्प्रिंकल भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही छिड़क दिया है तो स्प्रिंकल, वी स्प्रिंकल्ड सॉल्ट ऑन द करी, गार्निश होता है डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर एम्बेलिश सबसे अप्रोप्रिएट शब्द है। इलैबोरेट का मतलब तो होता है किसी चीज को और विस्तार से बताइए, आप जो कहना चाहते हैं, इलैबोरेटेड बिफोर द जज, ओके। ऑर्नामेंट आभूषण होता है, तो यहां पर आंसर जो है हमारा एम्बेलिश है, दैट्स द राइट आंसर। पहला शब्द देखो, क्रेडुलिटी, CREDULITY, क्रेडुलिटी, ये होता है भोलापन, जब आप आसानी से किसी भी चीज का विश्वास कर लें कि हाँ ऐसा होता ही होगा। गांव देहात में जो चालाक लोग होते हैं वो गांव वालों को जाकर सपने दिखाएंगे कि चलो शहर चलो, इतना पैसा कमा लोगे, तुम्हारी यहाँ नौकरी लगवा दूंगा, वहां नौकरी लगवा दूंगा। और इसी तरह से तो बहुत लोग जो है उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, स्लेव ट्रेड में वगैरह में वो आ जाते हैं, फ्लैश ट्रेड में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्रेडुलिटी है, जब आप आसानी से विश्वास कर लें, ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। क्रेडिबिलिटी जो है, हम तब क्रेडिबिलिटी, किसी चीज की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता तब होगी जब उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन क्रेडुलिटी में आप क्या करते हैं, आप आसानी से बिलीव कर लेंगे। क्रेडिबिलिटी मीन्स बिलीव ऑन प्रूव्ड एविडेंस और क्रेडुलिटी का मतलब होता है बिलीविंग टू इजिली। स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज होते थे तो फिर मैंने इनको आपके लिए कवर किया। अब इसका समानार्थक क्या हो सकता है, गलेबिलिटी, नेवनेस, नेव होता है बहुत ज्यादा भोला, गांव देहात के लोग जब शहर आते हैं तो वो नेव होते हैं, उनको नहीं पता होता। सिंपलनेस होता है बहुत ज्यादा साधारण, बहुत ही सिंपल टेस्ट वाला। इसका ऑपोजिट होगा इनक्रेडुलिटी, स्केप्टिसिज्म, ये सभी जो है इसके ऑपोजिट होंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी माँ कहती है फटाफट सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, बच्चे डर के मारे सो जाते हैं, वो इस बात पर विश्वास करते हैं। तो कैसे थे बच्चे, बच्चे जो थे वो क्रेडुलिटी यहां पर वर्ड यूज होगा। सेंटेंस बनाती हूँ, थैंक्स टू माई क्रेडुलिटी व्हेन आई वॉज यंग आई बिलीव्ड माई मॉम ऑल द टाइम, व्हेन एवर शी टोल्ड मी शी न्यू आई वॉज लाइंग। If you will believe almost anything that you are told, you have far too much credulity. ये है हमारा पहला शब्द। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है dwindle. Dwindle का मतलब होता है महत्व खोना, कम हो जाना, वो होता है dwindle. Okay? अगर आपकी नौकरी चली जाए तो जितनी भी आपकी सेविंग्स है वो कुछ महीनों के अंदर ही dwindle हो जाएंगी, यानी कि कम हो जाएंगी। ओके, diminish, reduce, dwindle क्या है, ये एक क्रिया है। If a swindler swindles, then your saving dwindles. Okay? ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए। अब dwindle का मतलब होता है कम होते जाना, abate होता है कम होना, आग का कम होना, तूफान का कम होना, वो अबेट भी होता है और अगर वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाए तो हम उसको सबसाइड भी कहते हैं। डिक्लाइन होता है कम आना, प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं, डाई डाउन होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना, डेमिनिश कम होना, लेसन कम होना, श्रिंक, श्रिंक होता है सिकुड़ना, डाउन साइज उसका जो आकार था उसको छोटा करना, लोअर कम होना, ये सभी जो है ये सिनोनिम है। ऑपोजिट हो क्या होगा, ऑग्यूमेंट, ऑग्यूमेंट का मतलब होता है और स्ट्रांग बना देना, शक्तिशाली बनाना, एनलार्ज्ड बड़ा करना, एस्केलेट बड़ा करना, बूस्ट बढ़ावा देना, ये जो है ये एंटोनिम्स हैं। अब इसका एग्जांपल बना, सेंटेंस बनाती हूं मैं आपके लिए, व्हेन द रेस्टोरेंट मैनेजर रियलाइज्ड दैट हिज सप्लाई ऑफ द पॉपुलर डिश वाज अबाउट टू ड्विंडल, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 1,000 मोर यूनिट्स।
जैसे ही मैनेजर को पता चला कि जो फेवरेट डिश है रेस्टोरेंट की, उसकी जो सप्लाई है वो उसके पॉपुलर डिश के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कम होने वाला है, तो उसने और ऑर्डर दे दिया। ऐसा बहुत होता है, ड्विंडल, रिसोर्सेज ड्विंडल हो सकते हैं आपके। तो ये था वर्ड नंबर टू। अगला शब्द है एलिप्सिस, और एलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन फ्रॉम स्पीच और राइटिंग। जो आप लिख रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं उससे किसी शब्द को बाहर कर देना, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस है और उसका कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नाउन है, ठीक है, संज्ञा है, नाउन है ये। अगर आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं और आप उस पेपर को एडिट करते हैं, तो पेपर को पढ़ते टाइम आप इस तरह का एक्लिप्स बनाते जाएंगे उन सभी मुश्किल शब्दों के चारों ओर जो आपको नहीं चाहिए, यही एलिप्सिस है। इफ़ यू आर द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर वाइल एडिटिंग ऑन द वर्ड्स, यू वुड मेक एन एलिप्सिस ऑन द वर्ड्स विच आर टू बी ओमिटेड। अब एलिप्सिस से आपके लिए मैं सेंटेंस बनाती हूँ, ओके। कैसा होता है, अक्सर समरी राइटिंग में हम ये बहुत करते हैं। द इंग्लिश टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक एलिप्सिस ऑन सुपरफ्लुअस वर्ड्स। ये था हमारा वर्ड नंबर थ्री। आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि इन दिनों हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है और आज उसका लास्ट डे है 20 अक्टूबर। पिनाकल के सभी प्रोडक्ट्स पर और फ्रंटियर आईएस के सभी प्रोडक्ट्स पर हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप इसका फायदा उठाएं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है इग्नोमिनी, और इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी, बदनामी, ओके। आप किसी चीज के लिए बदनाम हो रहे हैं, स्लैंडर जो है, लिबल जो है, ये सभी जो है ये इसके मतलब है। ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलीगैमी में इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली उसकी इग्नोमिनी होगी। पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी होता है एक से ज्यादा शादियां, ठीक है। तो इग्नोमिनी का मतलब क्या हुआ, बदनाम होना। डिसग्रेस, डिसग्रेस होता है आप अपमान झेलना। लोनेस, नीचे लेवल का। मीननेस, सॉरिडनेस, बेसनेस, ये सभी जो है ये सिनोनिम है। ऑपोजिट होगा इस व्यक्ति को सम्मान देना। जब सब इस तरह से आपकी तरफ उंगली उठाएं तो समझ लीजिए कि आपकी बदनामी हो रही है। एस्टीम, ऑनर, रिस्पेक्ट, ये सभी जो है ये इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल आपको देती हूँ इसका। राजेश's many extramarital affairs brought ignominy to his wife. For some people, their reputation is everything and they can't tolerate ignominy. ये था हमारा वर्ड नंबर फोर। नेक्स्ट वर्ड है importunate. और importunate क्या होता है, importunate जो होता है वो होता है जिद्दी। ये एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है, आपको बताना चाहूंगी। जिद्दी कैसे होता है, अपनी बात पर डटे रहें। क्या ये फर्स्ट वाला जो आज हमने वर्ड किया, क्रेडुलिटी, ओके, क्रेडुलिटी वाला कौन होता है, क्रेडुलिटी वाला होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, लेकिन जिद्दी वाला कौन होता है, जिद्दी वाला वो होता है जो अपनी बात पर डटा रहे। तो यहाँ पर क्लेमेंट, डॉज्ड, अर्नेस्ट, ये सभी जो है ये इसके सिनोनिम है। यहाँ पर देखो, ये आदमी जो है, ये लेडी जो है, लगातार बोले जा रही है और इसके पास सिवाय इसके सुनने के कोई बात है नहीं है, अपनी जिद पर अड़ी हुई है, ओके? अब मैं आपके लिए इससे सेंटेंस बनाती हूँ। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ हेल्प फ्रॉम मी, यू विल नॉट आस्क इन सच एन इम्पॉर्चुनेट मैनर, ओके। द इम्पॉर्चुनेट कस्टमर लाउडली डिमांडेड द मैनेजर टू रिफंड हिज मनी। ये थे हमारे दोनों सेंटेंसेस। अब आपसे कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। क्विज फॉर द डे, सिनोनिम बताइए। वर्ड है आपका ड्विंडल, ऑप्शन है एस्केलेट, डेमिनिश, नेवनेस, डिसग्रेस। इन चार वर्ड्स में से सिनोनिम क्या है वो बताइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।